हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्षिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी और पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस की सहायता से क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और थोड़ा सा लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कॉर्न फ्लोर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर यूज कर रही हूँ। कॉर्न फ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये अच्छी बाइंडिंग देगा और क्रंचनेस भी देगा। एक्स्ट्रा क्रंचनेस देने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच चावल का आटा और चावल के आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पेस्ट में और एक स्मूथ सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे ताकि अगर हम इसकी भजिया बनाएं या फिर गोली बनाएं तो अच्छे से बन जाए। अब मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, पहले ही ऑयल को चढ़ा दिया था तो इसमें से अच्छी हीट आ रही है। तो छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम का ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो मंचूरियन जो होंगे वो ऊपर से तो सिक जाएंगे, उसमें गोल्डन कलर आ जाएगा बट वो अंदर तक बिल्कुल भी नहीं सिक पाएंगे। तो अंदर तक सिके और क्रंची बने इसलिए आपको फ्लेम को लो रखना है और थोड़ी देर तक इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि इन पर गोल्डन कलर ना आ जाए। बीच बीच में इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है और ये अच्छे से सिक भी गई हैं। तो चलिए इन्हें अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जैसे शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने दो तरह से लिया है, एक हरी मिर्च को थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है और कुछ हरी मिर्च को मैंने पतली पतली डंडियों के रूप में पतले पतले लंबा लंबा कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म हो जाने पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, वो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, पहले मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, फिर उसके बाद लंबी वाली हरी मिर्च डाली है और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज को भी हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेम का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, फ्लेम हाई रहेगा तभी आपकी जो ये सब्जियाँ हैं ये सिक भी जाएंगी और इसमें क्रंचनेस भी बना रहेगा। तो सबसे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो सब्जियाँ क्या हो जाएंगी, पक जाएंगी बहुत ज़्यादा उबल जाएंगी और पिलपिली से हो जाएंगी। तो इसको इसमें क्रंचनेस बनी रहे इसलिए थोड़ी देर ही पकाएंगे और इनको हाई फ्लेम तक पकाना है। तो लगातार चलाते हुए इसको पका लेते हैं बिना ढके और बिना फ्लेम को लो किए हुए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। तो थोड़ा सा ही सोया सॉस यूज करना है, ज़्यादा यूज नहीं करना है नहीं तो ये टेस्ट को ख़राब कर सकता है या फिर टेस्ट बदल सकता है। तो थोड़ा सा ही सोया सॉस यूज करना है। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 चम्मच सोया सॉस यूज किया है और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन चिली सॉस भी यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर सॉसेस अपनी मनपसंद का ऐड कर सकते हैं लेकिन सोया सॉस मस्ट है, तो सोया सॉस यूज करना ही करना है। बाकी ग्रीन चिली सॉस या फिर टोमेटो केचप आप अपने मनपसंद अगर करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 तरह के सॉस यूज कर रही हूँ, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो केचप। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम आपका हाई ही रहेगा पूरे प्रोसेस में। सिर्फ मंचूरियन को तलते टाइम ही आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी बन जाए। अगर आपकी ग्रेवी इनकेस बहुत ज़्यादा पतली बन जाती है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मुश्किल से 2 मिनट तक हम ग्रेवी पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पका देंगे तो जो सब्जियाँ हैं वो उबल जाएंगी और हमें यहाँ पे सब्जियों को उबालना नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए 2 चम्मच मैंने पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर पानी है, उबला हुआ पानी नहीं है, और उसमें 1 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर को इसमें डालते हुए चलाएंगे। तो देखिए 2 मिनट में ही आप देखेंगे, मुश्किल से 1 मिनट में ही आप देख पाएंगे कि जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो गई है और अच्छे से बैलेंस भी हो गई है। कॉर्नफ्लोर डालने से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ग्रेवी है उसको ये मेंटेन कर देगी। तो हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार हो गई है और इस स्टेज में सारे मंचूरियन जो हमने फ्राई करके रखा था इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए पका लेंगे मुश्किल से 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेज मंचूरियन बनाना कितना आसान है और बहुत ही आसानी से हम इसे घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं और टेस्ट भी वैसा ही आएगा जैसे रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिलता है। तो आपकी मंचूरियन यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अगर आपके पास ऑनियन स्प्रिंकल्स हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी धनिया की पत्ती, इसको भी अच्छे से सर्व कर लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आपकी मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसको एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी मंचूरियन बनके कैसे तैयार हुई है। फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।